जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक मीटिंग रखी गई जिला कांग्रेस के कार्यालय पर। वहाँ से जुलूस के तौर पर जिला कलेक्ट्रेट आई, नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया दो विषय के अंतर्गत। पेट्रोल और डीजल में कीमतों की वृद्धि, पेट्रोल और डीजल के कांग्रेस के सरकार के अंदर 119-120 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अब 52 डॉलर प्रति बैरल तक आ गई। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो एक्साइज ड्यूटी, उदाहरण के तौर पर अगर डीजल की एक्साइज देखी जाए, कांग्रेस के समय 3.56 रुपये प्रति लीटर एक्साइज थी, जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इस समय 17.33 रुपये तक हो गई। 400% एक्साइज ड्यूटी, करों की बढ़ोतरी दुनिया के अंदर, देश के इतिहास में छोड़ो, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, भारत सरकार विफल हुई है 2-3 निर्णयों के कारण प्रमुख। एक तो नोटबंदी के कारण, GST के कारण, उन विफलता के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई है। 5.7% GDP जिसका आकलन केंद्र सरकार कर रही है, हकीकत के अंदर 3.7 है, जो यशवंत सिन्हा जी ने कल बताया, क्योंकि वो पैमाना का ही परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया। आज अर्थव्यवस्था में विफल होने से जनता को पेट्रोल और डीजल के माध्यम से लूट मचा रखी है नरेंद्र मोदी सरकार ने, इसलिए कांग्रेस ने आज पूरे राज्य के अंदर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। दूसरा विषय कानून व्यवस्था का, बाड़मेर जिले के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पिछले एक महीने में ऐसे 4-5 घटनाक्रम हुए। चौटन के अंदर एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, वो महिला खुद FIR दर्ज करती है, 164 का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, उसके बाद महिला थाने जाती है, DYSP के पास जाती है, SP तक आती, एक दफ़े नहीं दो दफ़े अपनी असुरक्षा न्याय की गुहार लगाने के लिए अपने सैनिक ससुर के साथ में। पर बाड़मेर की पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार का न्याय दिलाना तो अलग बात, उस महिला के परिवार को सुरक्षा नहीं दिला पाई और अंत के अंदर उस महिला को आत्महत्या करने पड़ी। एक महिला थाने के अंदर न्याय लेने के लिए जाती है और उसके साथ न्याय के बदले यहाँ के थानाधिकारी अश्वत मांगते हैं, ये कहाँ का न्याय है, क्या की न्याय कानून व्यवस्था है। केंद्रीय विद्यालय के अंदर एक बच्ची के साथ छेड़खानी होना, उस बच्ची के पिता खुद निजी अस्पताल में लेकर आना, वहाँ जब निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने उसको जांच करी तो उनको कुछ संदिग्ध लगा, पुलिस को बुलाया, पुलिस के आने के बाद सरकारी अस्पताल में लेकर जाना, सरकारी अस्पताल में लेने कर जाने के बाद 24 घंटे के अंदर FIR तक दर्ज नहीं हुई। पुलिस को आगे बढ़कर FIR दर्ज करनी चाहिए, जिसमें पुलिस नाकाम रही। उस पीड़ित बच्ची के पिता ने FIR दर्ज करी। पहले दिन पुलिस के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात करते हैं कि कुछ चीज़ संदिग्ध नजर आती। एक 6 साल की बच्ची का अगर वो साक्ष्य और बयान की बात करती, 6 साल की बच्ची 24 घंटे के अंदर अपने ये इस तरह की छेड़खानी होने के बाद घर से बाहर पुलिस की कस्टडी के अंदर अस्पतालों के अंदर रहना, उस समय क्या 6 साल की बच्ची से बयान लेना, किस प्रकार की संवेदनशीलता है, ये समझ में नहीं आती। और एक दफ़े नहीं, लगातार दो दफ़े 48 घंटे के अंदर ये फैसला देना है यहाँ की पुलिस के कि जो FIR दर्ज करी गई है उसकी जांच हमने कर ली है। दुनिया के अंदर इतनी जल्दी जांच किसी भी संदर्भ में आज तक नहीं हुई। यहाँ के पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी जाँच कर
क्लीन चिट दिलाना चाह रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं, ये समझ से परे। बाड़मेर के इतिहास में पहली दफे जब छात्राओं को असुरक्षा महसूस हुई, एक दफे नहीं दो दफे स्वयं सड़कों पर आई है, पर राजस्थान सरकार और पुलिस के कानों पर रूंगटे तक नहीं रहे। उसके विरोध के अंदर ही ये आज ज्ञापन और धरना दिया।